बिहार की राजनीति के लिए आज का दिन काफी अहम होने वाला है। अहम इसलिए कि आज नीतीश कुमार बड़े फैसले ले सकते हैं। जो तीन चार दिनों से कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार में नई सरकार बनने की आहट है, तो ये आज आहट पर मुहर लगेगी। नीतीश कुमार बड़े फैसले लेंगे। क्या होगा बिहार की राजनीति में आज, वो तो जब जदयू और आरजेडी के दोनों दलों के विधायकों के मीटिंग समाप्त हो जाएगी, उसके बाद कड़े फैसले जो हैं वो नीतीश कुमार ले सकते हैं। इस पूरे मसले पर कुछ भी आज जदयू की तरफ से कुछ भी नहीं बोला जा रहा है, ना ही आरजेडी की तरफ से कुछ भी बोला जा रहा है। आरजेडी ने कल ही अपना मीडिया सेल जो है वो भंग किया है, यानी कि अब कोई भी बयान जो उनके प्रवक्ता होते हैं वो नहीं देंगे। सिर्फ बयान जगदानंद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो देंगे, तेजस्वी यादव देंगे, यानी कि दो लोग ही जो बयान होते हैं वो देंगे। इधर कांग्रेस ने भी समर्थन देने की बातचीत कह दी। कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अब नीतीश कुमार अगर मोदी के खिलाफ जाते हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ आकर के सरकार बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए वो तैयार हो गई है। इधर माले भी तैयार हो गया है, CPIM CPM भी तैयार हो चुका है, यानी कि पूरा खेल जो है वो रचा जा चुका है और बस इंतजार किया जा रहा है कि नीतीश कुमार आज कड़े फैसले ले सकते हैं। आपको बता दें कि आज जदयू के तमाम विधायकों को पटना बुलाया गया है, पटना में उनके साथ मीटिंग की जा रही है। उधर आरजेडी के तमाम विधायकों की मीटिंग जारी है। उधर बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता तारकिशोर प्रसाद के आवास पर देर रात तक मीटिंग चली है। उसके बाद दिल्ली में भी मीटिंग चला है, तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ में दिल्ली बुलाया गया, उसके बाद मीटिंग चली। जीतन राम मांझी भी पहुंचे और देखना दिलचस्प होगा कि आज जो है क्या कुछ हो सकता है। नीतीश कुमार आज कई कड़े फैसले ले सकते हैं। बीजेपी के खिलाफ में उतर करके आरजेडी से गठबंधन, महागठबंधन के साथ ही बन के जदयू एक बार फिर से बिहार में अपनी सरकार बनाएगी। बड़ा प्रश्न ये होगा कि सीएम कौन बनेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव भी इस लिस्ट में शामिल है सीएम बनने के। क्या तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार सीएम बनाएंगे या फिर खुद सीएम रहेंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सीएम तेजस्वी यादव बने और उप मुख्यमंत्री जो डिप्टी सीएम होते हैं वो नीतीश कुमार खुद बन जाए। एक बड़ा प्रश्न ये भी है कि सीएम का चेहरा क्यों होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार उनके चाहने वाले ये कहते हैं कि बिहार में अगला सीएम तेजस्वी यादव को हम बनाने जा रहे हैं। तो अगर गठबंधन में नीतीश कुमार शामिल होते हैं तो सीएम क्या तेजस्वी यादव बनेंगे। आपको बता दें कि बिहार की सियासत में मंगलवार यानी आज का दिन काफी खास होने वाला है। मंगलवार को जदयू, राजद और हमने विधायक दलों की बैठक बुलाई है। इन्हीं बैठकों में नए गठबंधन का अहम फैसला होना है। अगर नया गठबंधन आकार लेगा तो इसका संख्या बल करीब 2/3 होगा। महागठबंधन में अभी राजद 79 है, कांग्रेस 19 है और वामदल 16 है। कुल मिलाकर के 114 विधायक है, तो जदयू और हम की संख्या 49 है, यह सभी मिलकर 163 विधायक होंगे। राजद, जदयू, कांग्रेस और वाम दलों को मिलाकर नए गठबंधन के आकार लेने की गूंज आज दिन भर सुनाई देती रहेगी। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि मंगलवार की बैठक आरसीपी सिंह के प्रकरण के बाद जो स्थिति बनी है उसको लेकर के बुलाई गई। उन्होंने भाजपा के प्रति सवालिया लहजे में यह कहकर नाराजगी जताई कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जदयू का कौन नेता शामिल होगा यह भाजपा तय करेगी, उन्होंने प्रश्न किया है। उन्होंने रविवार को यह भी कहा था कि बिहार में दूसरा चिराग पासवान बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। उनका आशय यह था कि जिस तरह 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने अपने को पीएम नरेंद्र मोदी का हनुमान बताकर अकेले लड़ने का फैसला किया और इससे जदयू को भारी नुकसान हुआ, उसी तरह आरसीपी को खड़ा कर जदयू को कमजोर करने की साजिश हो रही थी। वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार की सियासत में नए आकार पर मंथन करते रहेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा है कि ताजा हालात पर कांग्रेस नजर रख रही है और विधायकों को पटना बुलाया गया है। इस बीच नीतीश कुमार जनता दरबार कार्यक्रम दोपहर में रहे, इसके बाद भाजपा के दोनों कोटे के दोनों मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद रहे। जनता दरबार की समाप्ति के बाद नीतीश कुमार और तारकिशोर के बीच देर तक बातचीत हुई, हालांकि वहां से निकलने के बाद किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अब कई नेता जो हैं वो दिल्ली में भी हैं बीजेपी के, वो बातचीत कर रहे हैं। तो आज का दिन बिहार की राजनीति के लिए काफी अहम माना जा रहा है। क्या होगा आज बिहार में, क्या आज बिहार की सरकार बदल जाएगी, क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से
पलटी मार देंगे। क्या नीतीश कुमार जदयू, आरजेडी, वाम दल, कांग्रेस को मिलाकर के महागठबंधन के नए आकार को रूप देंगे? क्या नीतीश कुमार सीएम तेजस्वी यादव को बनाएंगे? आज इस सवाल पर हमारी भी नज़र रहेगी, हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद रहेंगे, वहाँ से जो भी खबरें आएंगी वो हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही, आप जुड़े रहिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।